हिंदुस्तान भर में मौजूद तारिक़ मसाजिद पर हिंदुत्ववादी तंजीमों की जानिब से दावे किए जा रहे हैं और अब इनमें शिद्दत आ गई है। बाबरी मस्जिद के बाद ज्ञानवापी और फिर मथुरा की शाही मस्जिद के बाद अब मथुरा की ही मीना मस्जिद पर हिंदुत्ववादियों ने दावा किया है। मथुरा में शाही मस्जिद ईदगाह तनाज़े के बाद एक और नया मामला सामने आया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के कौमी खजानची दिनेश शर्मा ने एक और मस्जिद मस्जिद मीना को ठाकुर केशव देव की 13 एकड़ से ज़ायद अराजी में गैर कानूनी ढांचा करार देते हुए अदालत में दावा किया है। हिंदू महासभा ने अदालत में ये दावा किया है कि हाल ही में इस पर कई नई तामीर भी की गई है जो कि गलत है और अदालत से मांग की गई है कि इसे हटा दिया जाए। हिंदू महासभा के कौमी खजानची ने सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में पेश किए गए मुकदमे में कहा है कि औरंगज़ेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा और शाही ईदगाह को तजावजात के तौर पर खड़ा किया। हमने माननीय सीनियर डिवीज़न में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीज़न दावा पेश किया है, उसमें हमने मांग की है कि जो कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है उसकी पूर्वी दिशा में मीना मस्जिद का निर्माण कर लिया गया है वो बिल्कुल अवैध है। पहले औरंगजेब आया था, उसने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के उत्तरी दिशा में शाही ईदगाह का निर्माण कराया। उसके बाद अब औरंगजेब के वंशजों ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की पूरी दिशा को घेर लिया है और कथित मीना मस्जिद का निर्माण करा लिया है। अब दो दिशा मंदिर की बची हैं, एक तो दक्षिण दिशा और एक पश्चिम दिशा। मुस्लिम पक्ष का ये वो है षड्यंत्र है कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को चारों तरफ से ये लोग घेरना चाहते हैं। यदि सपा बसपा की सरकार आ जाएगी तो ये लोग मंदिर को घेर लेंगे। वो तो भाजपा की सरकार है जब ये रुके हुए हैं, नहीं तो इनका षड्यंत्र बहुत बड़ा है। इसमें विदेशों से भी फंडिंग आ रही है मुस्लिम पक्ष के लिए। ये लोग इनका षड्यंत्र इतना बड़ा है कि जो जन्मभूमि का मंदिर है कृष्ण भगवान का, जहाँ भगवान कान्हा का जन्म हुआ था, उस स्थान को बदला नहीं जा सकता। क्यों? आप स्थान बदल सकते हैं लेकिन जन्म स्थान नहीं बदल सकते। तो मुस्लिम पक्ष के पास कोई सबूत तो है नहीं, वो कब्जा करना चाह रहा है, चारों दिशाओं को घेरना चाह रहा है। मीना मस्जिद वाले दावे पर लंच के बाद सुनवाई होगी, उसमें ये सुनवाई होगी कि ये दावा मेंटेबल है या नहीं। हमने इसमें दो पक्ष को पार्टी बनाया है, यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड को और इंतजामिया कमेटी। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।